बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे को कहाँ से पढ़ें, ऐसे को किस तरह टैकल आउट करें और ऐसे के लिए कौन सी किताबें ज़रूरी हैं और ऐसे को अटैम्प्ट कैसे करें। तो मेरा नाम नसीम चांडियो, आई एम एन इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट CSP's राइजिंग इंग्लिश अकेडमी जामसोरो। तो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है 17 जनवरी से। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे को ऐसे को लिखें कैसे। स्टूडेंट्स इस मिथ का शिकार होते हैं कि हमने बस टॉपिक देखी और लिखना शुरू कर दिया। इस तरह ऐसे नहीं लिखा जाता। ऐसे है क्या एक्चुअली? ऐसे इसलिए लिखा जाता है, इसलिए इम्तिहान में दिया जाता है ताकि आप किसी सोशल इशू को, किसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को आप तरतीब दे के लिखने की कोशिश करें। हम एक एग्जांपल देते हैं कि ऐसे को टेकल आउट कैसे करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक टॉपिक आता है तो आपने ऐसे उस पर बनाना है। तो ऐसे कैसे बनाएं? सबसे पहले ऐसे का मतलब ये होता है कि जो आपके पास जहन में जो रेंडम थाट्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बॉक्स है और सपोज करें ये आपका माइंड है, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं हर मौजू के मुतालिक। जबकि कैंडिडेट CSS का हो, PMS का हो, तो ये उसकी इतनी रीडिंग होती है कि उनके पास इतने ख्यालात मौजूद होते हैं ताकि उनको सिर्फ टॉपिक दिया जाए तो वो लिखना शुरू कर देता है। तो ऐसे के लिए सबसे पहले रीडिंग का होना ज़रूरी है। अगर रीडिंग नहीं है तो आइडियाज़ का जन्म आपके दिमाग में नहीं हो सकते। तो इसलिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये ब्रेन है और आपको एक टॉपिक दी गई है और इस ब्रेन के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ मौजूद हैं। आपने क्या करना है, जैसे ही टॉपिक मिले तो आपने सबसे पहले अपने दिमाग को इस तरह हिलाना है, हिलाना है कि अब मुझे इस टॉपिक पे आइडियाज़ चाहिए। तो पहला स्टेप आपने ये करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऐसे के लिए आपने क्या करना है, 5 से 10 मिनट तक अंधाधुंध जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करनी है? ब्रेनस्टॉर्मिंग रिलेटेड टू टॉपिक करनी है। एग्जांपल है ओवर पॉपुलेशन, काजेस, इंपैक्ट्स और सॉल्यूशन। ये मैंने टॉपिक उठाया फॉर सपोज 10 में से। अपने ब्रेन को एक्टिवेट करूंगा कि ओवर पॉपुलेशन के रिलेटेड जितने भी ख्यालात आपके जहन में मौजूद हैं मुझे प्लीज बाहर निकाल के दें। तो आपने क्या करना है, रफ पेज उसी कॉपी के अंदर जो लास्ट में लिखा होता है रफ लिख लें, उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर दें टॉपिक के हवाले से। जो भी इस दिमाग में आ रहा है रिलेटेड टू ओवर पॉपुलेशन आपने लिखना है। एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहां पे एक मैप बनाया। देखें ओवर पॉपुलेशन है, इसके काजेस भी क्या हो सकते हैं। अब आपने डायरेक्ट काज इफेक्ट इस तरह नहीं लिखना है, आपने डायरेक्ट ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देनी है। दिमाग को कह दे कि मुझे इस पे चाहिए आइडियाज। तो पहला आपने लिखा लॉस ऑफ इकॉनमी, बर्डन ऑन इकॉनमी फॉर एग्जांपल, और रिवैम्पिंग करिकुलम विथ टॉपिक रिलेटेड टू ओवर पॉपुलेशन इन लिटरेसी डिपार्टमेंट्स। इलिटरेसी आपने लिख लिया, डिजायर फॉर मेल चाइल्ड आपने लिख लिया, अनएम्प्लॉयमेंट लिख लिया, पॉलीगेमी लिख लिया, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग आपने क्राइम का लिख दिया, और उसके बाद आपने लिख लिया लैक ऑफ गवर्नेंस पॉलिसीज, मैल न्यूट्रिशन लिख लिया आपने, शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपने लिख लिया, बर्डन ऑन इकॉनमी आपने लिख लिया, उसके बाद गेटिंग अर्ली मैरिज इन अर्ली एज लिख लिया, रिलीजियस फैक्टर लिख लिया, और इसी तरह आपने बहुत सारे आइडियाज रफ ड्राफ्ट बना लिया, आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। उसके बाद ऐसे आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, रफ लिख लिया आपने, अब आपने क्या करना है कि फेयर ड्राफ्ट के ऊपर आउटलाइन बनानी है। कहां से ये आउटलाइन बनाए? आउटलाइन जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है यहां से, इनके सिलेक्टेड पॉइंट्स जो आप समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये इफेक्टिव हैं, तो आपने उसको क्या करना है, फेयर ड्राफ्ट पर बना देना है। तो मैंने फेयर ड्राफ्ट भी आप लोगों के लिए बनाया, आप उनको देखें और बहुत फायदा हो सकता है। तो आपने सिलेक्टेड यहां से पॉइंट्स उठानी है। फॉर एग्जांपल
ओवर पॉपुलेशन के काजेज क्या हो सकते हैं? तो आपने पहला काज लिखना है डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, ये ओवर पॉपुलेशन का काज है। हम कहते हैं कि ज्यादा मेल जन्म लें और एज कंपेयर टू वेमेन। उसके बाद दूसरा आप काज ये लिख सकते हैं कि गेटिंग मैरिज इन अर्ली एज, चाइल्ड मैरिज ये भी ओवर पॉपुलेशन का सबसे बड़ा काज है। तो इसी तरह 6 से 7 काजेज जो हैं आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग जो की है उनमें से सिलेक्ट करें, बाकी जो समझते हैं कि ये इतने इफेक्टिव नहीं है इनको आपने साइड कर देना है। तो जैसे ही आपने काजेज ढूंढ लिए यहाँ पे, फिर आपने स्टार्ट कर देना है कि यहाँ पे मैंने जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की है यहाँ से इम्पैक्ट्स कौन से हो सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन की वजह से इम्पैक्ट्स कौन से हो सकते हैं। तो इम्पैक्ट्स ये हो सकते हैं कि ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत बड़ा बर्डन हो सकता है, तो इकोनॉमिकल बर्डन। उसके बाद इफेक्ट ये भी हो सकता है कि ड्विंडलिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिक्रीजिंग, ड्विंडलिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, एनहांसिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन की वजह से इफेक्ट कौन सा हो सकता है, आपका इफेक्ट ये हो सकता है कि क्राइम रेशो बढ़ता रहेगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास जरिए नहीं होंगे पैदावार के और जॉब्स नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि क्राइम बढ़ेगा। उनके बाद आपने ये कहना है कि अब आपने ये सोच लिया, फिर आप कोई ऐड करना चाहते हैं काज के ऊपर, काज में कुछ ऐड करना चाहते हैं, ख्याल आ गया कहीं पे, तो आपने एक स्पेस छोड़ देनी है। तो आपने लिखना है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग की ना होने की वजह से ये ओवर पॉपुलेशन बढ़ता है। तो ये आपके इफेक्ट्स बन गए। उसके बाद आपने सोल्यूशन को देखना है, वे फॉरवर्ड जो आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की है यहाँ से। अब फॉर एग्जाम्पल ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरह की, आपने सोल्यूशन बता दिया कि भाई ओवर पॉपुलेशन को कैसे कम करें। तो आपने सबसे कहना है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल मीडिया टू अवेल सोशल प्रोग्राम्स फॉर द मासेस। तो आपने ये भी एक सोल्यूशन बता दिया कि रोल मीडिया का होना चाहिए, लोगों को सही तरीके से अवेयर किया जाए कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से यह नुकसान हो सकता है। तो देखिए उसके बाद आपने ये कहना है कि इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। तो अब आपने क्या किया, आपने आउटलाइन बनाना शुरू कर दी। आउटलाइन जैसे आपने बनाई है फेयर की, अब ये रफ खत्म हो गया, अब आपने फेयर की तरफ बढ़ना है। चलिए जी मैं वो फेयर भी आपको दिखाता हूँ कि ऐसे की आउटलाइन कैसे बनानी है। उसके बाद उसमें जो फेयर आपने बनाई है उनके हर एक पॉइंट पे आपने पैराग्राफ डेवलप करना है। चलिए जी अब बढ़ते हैं उसकी तरफ। अच्छा जी, ये आपके पास जो है दिखाई दे रहा है ऐसे, तो आपने पहले हिट करना है टॉपिक को, ठीक है जी। अब मैंने आउटलाइन बनाई है, तो आउटलाइन के नीचे मैंने बताया है कि पहला पैराग्राफ जो ऐसे का है वो होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर, ना कि कोई टॉपिक सेंटेंस होता है, ना कि कोई कंक्लूजन सेंटेंस होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन हर आइडिया को दिखा के पेश करता है कि मैंने पूरे ऐसे के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करनी है। तो ऐसे की आउटलाइन पहला इंट्रोडक्शन है आपने, फिर आपने किसी टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है। तो ज़रूरी है कि आपने अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी मार्क्स हो सकती हैं। थीसिस स्टेटमेंट देखनी है। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है, थीसिस स्टेटमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर एन एसे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ग्लोबल वार्मिंग इज बेनिफिशियल और इनइफेक्टिव, मैंने कि बेनिफिशियल है या हमारे लिए ये डिसएडवांटेजेस है। तो आपने अगर कहना है इट इज़ अ बेनिफिशियल, तो इस पूरे ऐसे के अंदर आपने बेनिफिट्स ही लिखने हैं रिलेटेड टू टॉपिक। अगर आप कहते हैं नहीं ये बेनिफिशियल नहीं है, ये डिसएडवांटेजेस है, तो आपने पूरे ऐसे के अंदर डिसएडवांटेजेस ही लिखने, इनको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट।
थीसिस स्टेटमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर एन एसे। तो फिर कोई स्टेटिस्टिक्स दे दें, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट में लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, अकॉर्डिंग टू गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान, लाइक दिस। फिर कोई कोटेशन दे दें, अगर आपको रिलेटेड मिल रहा है कोटेशन तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है। जनरल स्टेटमेंट, फिर प्रीव्यू। प्रीव्यू क्या है? आपने प्रीव्यू के अंदर जो है ये एक आउटलाइन बनाई है, इनमें से 6, 7, 5, 8 जो है उठा के यहाँ से ये एक दो सेंटेंस के अंदर लिख लेनी है, ताकि इम्तिहान वाले को लग जाए कि आपने अब इंट्रोडक्शन जो है बहुत बम्बास्टिक लिखा है, तो वो चेक करने में उसको आसानी होती है समझने में। उसके बाद आपने ये रफ फेयर ड्राफ्ट बनानी है। काजेज, तो काज वन, कौन सा काज बनाया आपने? आपने बनाया कि लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन, काज वन। फिर काज टू आपने क्या लिखा? डिजायर फॉर मेल चाइल्ड। नंबर तीसरा काज आपने क्या लिखा? अर्ली मैरिजेस जो है बच्चों की, ये लिख ली। काज तीन हो गए। फिर हम बढ़ते हैं इफेक्ट्स की तरफ, ये आउटलाइन बनाने जा रहे हैं। फिर आपने इफेक्ट ये लिखा, भाई क्राइम रेशो बढ़ेगा ओवर पॉपुलेशन की वजह से। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज कम होते रहेंगे ओवर पॉपुलेशन की वजह से। उसके बाद इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बर्डन रहेगा पाकिस्तान की। तो ये इफेक्ट्स हो गए। अब आपने सॉल्यूशन बताने हैं, ये आउटलाइन के फॉर्म में सॉल्यूशन जो मैंने बताया आपको, रोल ऑफ मीडिया होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, और गवर्नेंस को पॉलिसीज बनानी चाहिए। उसके बाद आपने कंक्लूजन, ये मैंने आउटलाइन का फ्रेम बताया। अब पूरे एसे को कैसे लिखना है, अब एसे की तरफ बढ़ते हैं, इससे को लिखे कैसे। अब आपने क्या किया, काज का एक पॉइंट, आपने एक काज वन पैराग्राफ बनाना है जो भी आपने उठाया। फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ प्रॉपर फैमिली प्लानिंग जो है, प्लानिंग जो है वो लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन। तो इस पैराग्राफ के अंदर पहला ये पैराग्राफ जो है ये तो इंट्रोडक्शन का है, उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आपने काजेज स्टार्ट कर देनी है। तो हर एक आउटलाइन पे एक काज होना चाहिए। दूसरा काज, काज टू, काज थ्री, काज फोर, आपने फोर आउटलाइन, फोर पैराग्राफ, तो एटलीस्ट 150 वर्ड्स, 200 वर्ड का एक पैराग्राफ होना चाहिए। तो ये आप देखें कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो इफेक्ट वन, इफेक्ट वन के ऊपर एक काज पैराग्राफ, इफेक्ट टू पे दूसरा, इफेक्ट थ्री पे, इस तरह जो है ऐसे को आप फ्रेम कर सकते हैं, और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ अच्छी मार्क्स उठा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के अंदर ऐसे के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लासेस, इस संडे से स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑनलाइन वाया जूम ऐप। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट माई नंबर 03-111-2888-40। ये जूम का व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए डिटेल्स ले। थैंक यू।